ये माना जाता है ज्योतिषाचार्य जी की खड़मास के दिनों में तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए, तो इसमें क्या सच्चाई है? और अगर तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए तो आखिर क्यों नहीं किया जाता है? जय बाबा विद्यनाथ, हर हर महादेव। खरमास के दिनों में पूजन शुभ कर्म वर्जित है, लेकिन जिस प्रकार से नित्य नैमित्तिक क्रिया है, ये सब बंद नहीं होते हैं। जैसे सूर्य भगवान की पूजा, प्रत्येक दिन मनुष्य सूर्य भगवान को अर्घ देता है, तो अर्घ का काम बंद नहीं होता है। तुलसी के वृक्ष में जल देना, यह भी नित्य क्रिया के अंदर अंतर्गत आता है। तो तुलसी का पूजन बंद नहीं होगा। विशेष रूप से जो विवाह आदि कार्य होते हैं, शुभ कार्य में जो तुलसी की पूजा होती है, वो नहीं होगा। लेकिन तुलसी में जल देना, तुलसी को अगरबत्ती दिखाना, तुलसी में दिया रखना, ये कर्म बंद कभी नहीं होता है। मनुष्य के जीवन में सूर्य भगवान की पूजा और तुलसी की पूजा कभी बंद नहीं होती है। इसलिए तुलसी की विशेष पूजा नहीं होगी, सिंदूर वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन जलदान, दीपदान, धूप इत्यादि जिस प्रकार से सूर्य भगवान को देते हैं, उसी प्रकार से तुलसी का पूजन जारी रहेगा।